नाना पटोले को यह समझना चाहिए कि केवल शारीरिक ऊंचाई बढ़ने से कोई नेता नहीं होता, बौद्धिक ऊंचाई भी बढ़नी चाहिए। बहुत छोटी बुद्धि की बात उन्होंने की है और मुझे लगता है ये कांग्रेस की नीति है। कहीं पंजाब में पीएम साहब की सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज होता है तो कहीं महाराष्ट्र में उनके अध्यक्ष कहते हैं कि हम पीएम साहब को मार सकते हैं। इससे कितना पीएम साहब के बारे में उनके मन में क्या भाव है ये भी ध्यान में आता है। मुझे लगता है कांग्रेस की पॉलिसी है और हम तो मांग करते हैं कि नाना पटोले के ऊपर लीगल एक्शन होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी को मारने की बात अगर कोई कहता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि किसी ने महाराष्ट्र के सीएम साहब की पत्नी जी को राबड़ी देवी कहा तो उसके ऊपर एफआईआर हुआ है। और यहां पर स्वयं एक इतने बड़े अपने आप को नेता मानने वाले प्राइम मिनिस्टर साहब को जान से मारने की बात करते हैं और उनके ऊपर महाराष्ट्र में एफआईआर नहीं होता, ये बहुत गलत बात है। हम इसमें चुप नहीं बैठेंगे।